एक हो गया था, हमने लंच कर लिया है और एक कहावत पूरी करके देगी अब अंजलि। बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा नहीं मुंह काला। ये देखो दोनों भाई ना, गणे दिन तो सोचा देखो भाई घंटा काम करा आया वो दिन भाई। हाँ, जब भी इंटरव्यू होता था, जब भी कोई पूछता था कि आप अपने गाने खुद ही क्यों डायरेक्ट करते हो, तो मैं ये कहता था भाई मुझे कोई लेता ही नहीं है। ये हमारी न्यू है ना, हो रही सॉलिड बॉडी, हमारी न्यू है ना सॉलिड बॉडी हो रही है। राम राम दोस्तों, सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं रास्ते में हूँ, शूटिंग पे जा रहा हूँ। राजस्थान में सूरजगढ़ के आसपास मेरा शूट है और क्योंकि ज़्यादा दूर पड़ता है गुड़गांव से, तो मैं जो है यहाँ आसपास ठहरा था होटल में और मैं आपको दिखाता हूँ कि शूट यहाँ कैसे होगा आज। और इतने साल के करियर में पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे कास्ट किया है, नहीं तो मैं खुद ही अपने गाने बनाता था, खुद ही डायरेक्शन करता था। और ये गाना अभी जो है अमित चौधरी भाई ने भी मेरा किया है, बट उसमें क्या है कि अमित भाई को हमने बुलाया था और ये पहला गाना है मेरी लाइफ का जिसमें मुझे एज एन एक्टर बुलाया गया है। और ये कर रहे हैं पवन गिल भाई और ये गुलशन म्यूजिक जो है, गुलशन भाई वो इसके प्रोड्यूसर हैं और वत्स रिकॉर्ड पर ये सॉन्ग जल्दी ही आप लोगों के बीच में आएगा दोस्तों। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, ये स्काई देखो, जितना वीडियो में दिख रहा है ना उतना है नहीं, थोड़ा डार्क है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ये, क्यों परमेश? हाँ सर बिल्कुल, देखो सुबह सुबह कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। नहीं वैसे तो हम लोग नहीं इतना सुबह सुबह का आनंद उठा पाते, लेकिन ज़्यादातर शूटिंग पर जाते हैं परमेश तो उठा लेते हैं, बहुत फ्रेशनेस फील करते हैं सुबह उठ के, एनर्जी भी रहती है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सुबह उठ के। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए परमेश ने मास्क भी लगा रखा है, हेलो बोलो सबको इधर, हेलो। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं शूट पे। मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे जहाँ मुझे टाइम दिया गया था और ये वो लोकेशन है, बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं। और यहाँ ये सबकी गाड़ियाँ पार्क हो रखी है, ये जनरेटर है और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं मिला नहीं हूँ किसी से। ये देखो और ये मित्रगण आ पहुँचे हैं और मैं मिलवाता हूँ देखो अमित ढुल भाई से, हेलो बोलिए सर। हेलो नमस्कार जी, आप देखिए नज़ारे, ये नज़ारे इन्होंने देख लिए, अब बाकी के नज़ारे दिन में देखेंगे। और ये हैं आज हमारे डायरेक्टर जिन्होंने पहली बार हिम्मत की है मुझे कास्ट करने की। दोस्तों मेरी ज़िंदगी का पहला गाना है जिसमें मुझे एज एन एक्टर लिया गया है और मेरे डायरेक्टर पवन गिल भाई हैं। दोनों भाई ना, गणे दिन तो सोचा देखो भाई घंटा काम करा आया वो दिन भाई। हाँ, जब भी इंटरव्यू होता था, जब भी कोई पूछता था कि आप अपने गाने खुद ही क्यों डायरेक्ट करते हो, तो मैं ये कहता था भाई मुझे कोई लेता ही नहीं है। तो पहली बार आप पहले बहुत बढ़िया करते हो भाई साहब, डायरेक्शन खतरनाक, लेकिन आज ये मौका मिला हमने दोनों भाइयों ने इकट्ठा काम करने का। नहीं और करते हैं आज बहुत बढ़िया और गाना बहुत 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 अच्छा है भाई। हाँ, सुनते हैं गाना बहुत अच्छा भाई। ठीक है भाई, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल रहे हैं शूटिंग के लिए और ये देखिए मेकअप हो गया है और ये ड्रेसअप हो गया है, ये आज का मेरा लुक है पूरा। और अब निकलेंगे हम शूट पे, जहाँ पास ही यहाँ किसी गाँव में शूट है मेरा, तो क्योंकि गांव की लोकेशन है और गांव का सॉन्ग है, तो चलते हैं मिलते हैं लोकेशन पे। तो दोस्तों हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं गांव में, ये सेटअप लगा रखा पूरा का पूरा यहाँ पे, और क्योंकि जो सॉन्ग है वो बेस स्कूटर पे है और ये वो स्कूटर है, ऐतिहासिक स्कूटर, और ये वो ऐतिहासिक डायरेक्टर पवन गिल जी, और ये हैं हमारे DOP मनीष जी, इनको मनीष कहते हैं, पहला एक्टर मैं हूँ जिन्होंने मनीष नाम से पुकारा इनको, करेक्ट नेम से। तो ये पूरा सेटअप है दोस्तों, वो कैमरा वैमरा वहाँ पे रेडी हो रहा है और अब यहाँ पे थोड़ी देर में धूम धड़ाका मचा देंगे हम लोग। Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain,
But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. मैं शूटिंग पे जाऊंगा तो वहाँ मैं रूबरू कराऊंगा, जैसे मैंने आपको दिखाया, लोकेशन दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई। तो अब मैं आपको मिलाता हूँ अपनी को आर्टिस्ट से, जिनके साथ बहुत सारे सॉन्ग हमारे हिट भी हैं, अंजलि राघव जी। हेलो। तो अब आपको जो है लोग देखेंगे नीतू वर्मा व्लॉग पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी ऐसे मुझे देखते ही रहो हमेशा और नीतू वर्मा ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, आपको अलग अलग शूट की वीडियोस देखने को मिलेंगी। शूट के पीछे क्या होता है, आगे का तो दिख जाता है, पीछे का आपको उसको दिखेगा नहीं। उसके अलावा अंजलि, जैसे नीतू जो है वो अलग अलग, जैसे घर की भी, डेली का भी, वो सारी बनाती रहती है। और एक आर्टिस्ट की कैसी होती है जीवन क्रिया, मतलब जीवन क्रिया, जीवन क्रिया, वेरी गुड वेरी गुड, वो आपको उधर पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और डिफरेंट होती है। और आपने देखा था, मैंने दिखाया था आपको गुड़िया का भी, अमरीन हाँ, का, वो बहुत क्यूट है। तो उसके बारे में कुछ बोल दीजिए। बहुत प्यारी है और बहुत मुझे लगता है मेरे जैसी है तो बहुत जल्द जो है अमरीन से मिलेंगी, है घर पे आएंगे, इन्होंने अब वीडियो में प्रॉमिस किया है। तो गुड़गांव घर पे मोस्ट वेलकम आपका, आइए लंच पे, डिनर पे मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों ये थे अंजलि राघव जी, जिनके साथ बहुत सारे गाने भी हैं मेरे, और ये पूरी की पूरी कैमरा टीम है हमारी इधर, और ये सेटअप है पूरा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पे शूट होने वाला है। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से शूट थोड़ा सा अभी रुका हुआ है। दोस्तों हमारा लंच ब्रेक हो गया था, हमने लंच कर लिया है, और एक कहावत पूरी करके देगी अभी अंजलि, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह गोरा मुंह गोरा नहीं मुंह काला, ये देखो। तो अभी ये मेकअप रिमूव होगा, ये शॉट ऐसा था कुछ अंजलि का। दोस्तों कुछ आदमी गलतफहमी फैला रहे हैं यहाँ सेट पे, पुलिस की ड्रेस पहन के, उनको ये बता दिया जाए कि स्कूटर चलाने के लिए यहाँ पे स्पेशल बंदे हैं। बैठ भाई, पुलिस को फोन कर रहे हैं यहाँ पे, तकलीफ पुलिस वाले हैं। यस, और देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊँट है, असली वाला ऊँट, ये देखिए। दोस्तों अगर नीतू वर्मा व्लॉग पे ये सब नहीं होता तो कैसे देखते हो आप? देखो ऊँट, देखो पूरा रेडी है, ये देखो कुछ आदमी यहाँ पे सदमे में है दोस्तों, उनमें से एक आदमी ये है, इसका मुंह देखो दोस्तों, बहुत सदमे में है। ठीक है, राम राम दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये इंसान है जिसकी वजह से स्कूटर इस पे चढ़ा है, ये स्पेशलिस्ट है, और इनके कार्ड पे भी लिखा है कि स्कूटर चढ़वाए जाते हैं। और ये वो इंसान है जो यहाँ पे गलत हवा फैला रहे हैं सेट पे, नहीं जी गलत नहीं, दोनों कलाकार जो है वो धक्का मार रहे हैं, यही बोल रहे थे आप? नहीं नहीं, इन्होंने स्कूटर चढ़ाया है नहीं दोस्तों, पुलिस नहीं, पुलिस से डरते हुए नहीं दोस्तों, वो थोड़ा सा बॉडी बना रखी तो स्कूटर चढ़ा दिया दोस्तों हमने, सोचने की बात है ना ये तो। चलिए दोस्तों करते हैं शूट, गाड़ी ले जा तू आराम से जाइयो। धीरे धीरे शाम हो गई भाई, काम करते करते, और सबकी नज़रें जो हैं वो एक चाय की चुस्की अगर मिल जाए तो एनर्जी आ जाए वाली बात है, लेकिन यहाँ पे शूट कर रहे हैं ऐसी जगह पे, तो चाय तो मुश्किल है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक शायद सबके लिए अवेलेबल हो जाए। नहीं नहीं मेरे पास ही आओगे ना? हाँ भैया बैठे, देखो बैठे, ये हमारी न्यू है ना, होरी सॉलिड बॉडी, हमारी न्यू है ना सॉलिड बॉडी, होरी हमारी न्यू है ना सॉलिड बॉडी हो रही है, खावा भाई क्लास बाल खावा ना होरी सॉलिड बॉडी। दोस्तों रात का टाइम है और शूट कर रहे हैं, और देख रहे हो मेरी हालत से मैं कितना थक गया हूँ दोस्तों, और देखो हमारा सेट कितनी मेहनत हो रही है सेट पे, ये देखिए, ये देखिए पूरी मेहनत हो रही है दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा गाना जाएगा ये, वत्स रिकॉर्ड से ये रिलीज़ होगा, और स्पेशल एक व्लॉग बनाया है मैंने ताकि आप लोगों को एक अलग से अनुभव हो जाए कि शूटिंग कैसे होती है, और मेरे ख्याल से दूसरा व्लॉग है जब रात हो गई शूटिंग करते करते,
तो इसका मतलब ये है कि हमेशा रात हो ही जाती है और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकलता हूँ मैं आप लोगों को बता करके 4:30 बजे, और देखो अब रात हो जाएगी और फिर अगला दिन सुबह हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारा काम करते करते थक भी जाते हैं, आँखों में नींद हो जाती है, लेकिन फिर भी एनर्जी बना के रखनी पड़ती है दोस्तों। थैंक यू, लव यू, लेकिन ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों काम करते करते मॉर्निंग हो गई है, पूरी रात से काम लगे पड़े हैं, पूरे दिन से सुबह से काम लगे पड़े हैं हम लोग, और अब जा कर के स्टोरी पोर्शन जो है वो कम्प्लीट हुआ है। अभी लिपसिंग पार्ट थोड़ा हम करेंगे और बहुत अच्छा लगा मुझे ये पूरा का पूरा, जब आज बड़ा अलग सा अनुभव था मेरे लिए। और मैं अब मिलवाना चाहूँगा आपको एक ऐसे शख्स से जो मेरे मित्र हैं काफ़ी पुराने, और आज हमने साथ इकट्ठा काम किया है और बहुत अच्छा लगा भाई। स्टोरी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, लिपसिंग हमारी पेंडिंग रह गई अभी, बिल्कुल बिल्कुल, तो लगभग हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। हाँ। और बड़ी खुशी और बड़ा आज अलग सा महसूस हुआ, रिलैक्स भी बहुत, भाई ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। भाई एक बात बताऊं मुझे, दिमाग चाटनिया ना तो रोज दिमाग चाटना, लेकिन आज जो काम आर्टिस्ट के साथ काम कर दिया ना मजा आना, वो हद था भाई। चलो भाई थैंक यू सो मच, क्योंकि और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर हम भी एक बार हद होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको अच्छा लगा? खतरनाक, मतलब मैं उम्मीद कर सकता करता हूं कि दोबारा से कास्ट करोगे आप मुझे दोबारा से? नहीं भाई साहब, हम बहुत सारे सॉन्ग और ईट वाले सॉन्ग देने वाले हम। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और अब मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे डीओपी मुनीश भाई। सर हमारा स्टोरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है और आप लिपसिंग पार्ट रह गया हमारा, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और स्टोरी पोर्शन तो मेरा लगभग सारा कंप्लीट हो गया कंप्लीट। तो बड़ा अच्छा लगा, पहली बार हम लोगों ने काम किया सर, पहली बार सर, और बहुत बार हमारी बातें होती थी आपस में, आप भी और मैं भी आपस में करते थे डिस्कस, और लेकिन काम नहीं कर पाए थे हम, लेकिन आज वो सर ने मौका दिया मेरे को, सर ने मौका नहीं दिया, ये पवन गिल भाई ने सबको जोड़ दिया एक्चुअली, लेकिन और गुलशन म्यूजिक जो है गुलशन भाई ने वत्स रिकॉर्ड्स उन्होंने सबको जोड़ दिया है, और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और व्लॉग की एंडिंग मैं यहीं से करता हूँ, और नीतू वर्मा व्लॉग को आप जो है सब्सक्राइब करो ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने को मिलें। बाकी अब मैं ड्रेस चेंज करके लिपसिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, और मौसम भी थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ी थोड़ी बूंदें आनी स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।